Thank you very much, Dr. Chitkara, dear students, and my viewers sitting and watching this show at home. और आज मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज का विषय ऑनेस्टी और एथिक्स क्या भारतवर्ष में हिंदुस्तान में या एशिया में वर्ल्ड में क्या हम उनको खो रहे हैं या चल रहा अच्छा हमारे एथिक्स बरकरार हैं ऑनेस्टी कायम है और बहुत से क्वेश्चंस हमें जो आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं कि शायद आजकल ऑनेस्ट रह के शायद कामयाबी हमें हासिल ना हो एथिकल काम करें तो शायद ज़िंदगी में सक्सेस ना मिले आज इस विषय पर चर्चा करेंगे हमारे साथ बने रहिएगा और मैं हूँ आज चंडीगढ़ के चितकारा यूनिवर्सिटी में आज दो सवाल पे चर्चा हम करेंगे एक तो ये कि ऑनेस्टी और एथिक्स क्या है क्योंकि बहुत बार देखने में ऐसा मिला कि कई बार लोग सिर्फ ये कहने लगते हैं कि साहब पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स बड़े बिजनेस हाउसेस वो लोग ऑनेस्ट नहीं हैं ऐसी एक धारणा ज़्यादा करके बन चुकी है ये सही नहीं है और ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सेज हम लोगों ने लोगों से पूछा तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ सामने आई कि हर एक आदमी चाहता कि दूसरा आदमी ईमानदार बने मैं बनूं ईमानदार ये बात कोई नहीं करता मुझे भी एथिकल बनना चाहिए मुझे भी ईमानदारी से काम करना चाहिए इसकी चर्चा कम लोग करते हैं तो आप ये बताइए आपके हिसाब से व्हाट डू यू फील ऑनेस्टी एंड एथिक्स इज सर आई थिंक ऑनेस्टी और एथिक्स इज वर्किंग इन सच अ वे कि हम लोगों का अपना काम हो जाए बट नोबडी इज़ हार्म फ्रॉम देम फ्रॉम दैट एक्ट तो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपना काम करना ही ईमानदारी सर ऑनेस्टी मीन्स बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड अदर्स आई फील द एथिक्स आर बेसिकली द मॉरल वैल्यूज दैट आर टॉट टू अस एंड दैट वी शुड कंटिन्यू इट तो अभी आपने तीन जवाब सुने तीनों में थोड़ी भिन्नता है लेकिन मायने बदलते नहीं हैं ज़्यादातर अगर आप इंटरनेट पे करेंगे तो उसके अलग मायने आपको देखने को मिलेंगे हमारी जो भारतीय संस्कृति है हमारी जो सिविलाइजेशन है उनके रिसर्च करें तो उसमें ऑनेस्टी और एथिक के थोड़े मायने अलग हैं थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं जैसा मैंने कहा पहले कि दो क्वेश्चन आज तय करेंगे पहला ऑनेस्टी एथिक्स एक्चुअली क्या है हम लोग क्या उसको मानते हैं और दूसरा विषय लेंगे कि क्या सक्सेसफुल होने के लिए कामयाब होने के लिए एथिक्स और ऑनेस्टी इंटैक्ट रखना ज़रूरी है या नहीं और उसी प्रश्न को अगर दूसरे तरीके से पूछें तो लोग आजकल कहते हैं कि साहब ईमानदारी से तो पैसा नहीं कमाया जा सकता कामयाब नहीं हुआ जा सकता उस पर चर्चा करेंगे क्या वाकई आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने एथिक्स और ऑनेस्टी को कंप्रोमाइज़ किए बिना पूछेंगे बाहर और हमारे दर्शकों ने इसके बारे में क्या कहा है वी वुड लाइक टू सी व्हाट पीपल हैव टू से आज के टाइम में तो आई थिंक ये एक डिसऑनेस्ट बंदा ही अपनी पर्सनालिटी अच्छी लोगों के सामने रख सकता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ हो गई है कि चाहे वो पीछे से काम कितना भी बुरा करे उसे आगे अपनी एक पर्सनालिटी एक एटीट्यूड इतना रखना है कि ताकि लोग उसको एक अच्छा परसीव कर सके ये अच्छा एक जान सके कि हाँ एक तरीके से एक धोखा ही है बट आजकल मुझे लगता है सब जगह यही हो रहा है डिसऑनेस्ट आदमी एक अच्छी इमेज बना सकता है कि नहीं ये तो बहुत सिंपल सी बात है आजकल हमें डालडा खाने की आदत है शुद्ध घी मिल जाए तो पछता नहीं है कोई अगर ऑनेस्टी दिखाए या सही रूप से बात करे तो हम उसको बोलते हैं गलत है और कोई डिसऑनेस्ट आदमी सामने आ जाए खड़ा हो जाए बड़ी बड़ी बात करे तो हमें लगता है वही सही बोल रहा है क्योंकि हमारी सिस्टम और आदत हमें पड़ गई है ऐसी लेकिन
सच ये है कि डिसऑनेस्ट आदमी बहुत दिन तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर वो इंसान चाहे तो अपने अच्छे कामों से, अच्छे कर्मों से, सोसाइटी के साथ अच्छे लिंक बनाकर अपनी इमेज ठीक कर सकता है। हमें ऐसा नहीं है कि अगर उसने एक बार काम ख़राब किया, अपना गलत कुछ इमेज ख़राब बनाई है तो लोग उसको बोल देंगे नहीं ये इंसान बेईमान है, इसमें ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं है। ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो अपने अच्छे काम सोसाइटी में लोगों के साथ, उसका वेल बिहेव्ड है उसके साथ, सोसाइटी के साथ, तो वो ऑब्वियसली एक अच्छी इमेज बना सकता है। जी मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि जो डिसऑनेस्ट व्यक्ति है वो एक अच्छी पब्लिक इमेज बना सकते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही डिसऑनेस्ट होता है। उसको डिसऑनेस्टी को मिटाने के लिए कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे, कुछ सही काम करने पड़ेंगे, ताकि लोग जो है उसको अच्छा समझे, उनके नज़र में वो अच्छा बने, तभी वो एक अच्छा इंसान कहला पाएगा। आज जो भी हम पब्लिक फिगर्स देख रहे हैं, हम सबको पता है कि वो कहीं ना कहीं ऑनेस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट ज़रूर है, पर उनकी पब्लिक इमेज ज़रूर अच्छी है। और बिसाइड्स आजकल कितने सारे पीआर एजेंसीज है, कितना सारा मीडियम्स है जिससे हर एक इंसान अपना पब्लिक इमेज बना देता है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कोई भी डिसऑनेस्ट व्यक्ति अच्छा पब्लिक इमेज बना सकती है। आज के ज़माने में डिसऑनेस्ट व्यक्ति ही पब्लिक इमेज बना रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को ही देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन देख लीजिए, वो अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। मेरी ओपिनियन में एक डिसऑनेस्ट आदमी भी अच्छी पब्लिक इमेज बना सकता है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत प्रूवन है। इट इज़ वॉट यू शो इन फ्रंट ऑफ द पीपल विच मैटर्स, इट इज़ नॉट वॉट यू एक्चुअली आर। सो मेरी तरफ से एक डिसऑनेस्ट आदमी भी एक अच्छी पब्लिक इमेज बना सकता है। तो सुना आपने क्या, और इससे जुड़ा हुआ सवाल था कि ऑनेस्ट रहते हुए, एथिकल बिहेवियर करते हुए अपनी इमेज भी हम बना सकते हैं, इंटैक्ट रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो आपने कुछ लोगों के रिएक्शंस देखे, आपको क्या लगता है कि ठीक है क्या ये, जो लोगों की भावना, हमारे यूथ की भावना ऐसी बनती जा रही कि नहीं, वी शुड बी सक्सेसफुल, वी शुड मेक मनी, येन तेन प्रकारेन, कैसे भी हो हमको सक्सेसफुल होना है, उसके लिए अगर कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है ऐसी भावना हो रही है हमारे देश में? सो एनीवे, जो हमने जो समझा पहले, चलो ऑनेस्टी पे चलते हैं। वी हैव व्हाट आई हैव फेल्ट इज के प्लेइंग बाय द रूल इज नंबर वन इशू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। बिना चोरी किए, बिना चीटिंग किए, बिना फ्रॉड किए या कोई ट्रिक किए हुए, और वी कैन से दैट violation of both trust and fairness is dishonesty if you look at the other way around. Or ethics ko kya kahenge? Ethics ko we are saying that it is a behavior of morality, an individual is said to possess the virtue of integrity. As we know, integrity means the whole, complete. Part truth is never can be termed as a whole truth. Whole individual's value system provides us a framework with which we act or behave, also which is consistent and expected by others. To sum up, there is no fundamental ethical value than honesty.